हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ चीनी और रवा से कुछ नई रेसिपी तैयार करने। तो चलिए सबसे पहले मैं चीनी को ग्राइंड कर लेती हूँ, इसका बूरा बना लेती हूँ। मैंने मिक्सी जार में चीनी डाल करके उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसको महीन से पीस ले और इसका बूरा बना ले। और मैंने एक कटोरी के लिए लगभग सूजी लिया है, किशमिश है कुछ और इलायची लिए हैं जिसको आप दाने निकाल लें इसके। तो चलिए मैं चीनी को ग्राइंड कर ली हुई हूँ, आप देख सकते हैं। इसी तरह आप भी महीन चीनी का ग्राइंड कर ले और बूरा बना ले इसका। इधर मैंने गैस ऑन कर दिए हैं, गैस पे पैन मैं चढ़ा दी हुई हूँ। इसमें 1 से 2 चम्मच के लगभग आप घी डाल करके इसे अच्छे से गर्म होने दें। जब घी गर्म हो जाए तब आप इसमें जो रवा रखा हुआ है उसे आप ले करके अच्छे से उसको बराबर से भूनते हुए मिक्स करें। इस घी और रवा को अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद इसको धीमी फ्लेम पर ही अच्छे से मिलाएं, थोड़ी सी ये मिल जाए। इसके बाद में इसमें आप देख सकते हैं इलायची को मैंने कूट लिया है और इसकी दाने निकाल लिए हैं। और इस दाने अच्छे लगते हैं, टेस्ट भी अच्छा लगता है इसका। इसमें थोड़ा सा आप किशमिश भी ऐड कर ले इसी वक्त और इसे अच्छे से करें। मुझे गोल्डन कलर नहीं चाहिए, आप हल्का सा ये कच्चा भी ना हो। इसमें थोड़ा सा मैंने दूध, ताज़ी दूध की मलाई को मैंने इसमें डाल दे और इसे अच्छे से मिक्स करें। गुठली ना होने दे, बराबर से चलाते हुए आप इसे 10 मिनट के लगभग से अच्छे से पकाए और रवा को कच्चा ना रहने दे। इसी तरह से मिलाएं आप भी। आप देख सकते हैं सारे इन्ग्रीडियंट्स अच्छे से मिल चुके हैं इसमें। अब इसे आप थोड़ी देर के लिए गैस को बंद कर दे और इसे ठंडा करके एक बड़े से थाल में इसे डाल करके फैला करके इसे सूख ठंडा होने दे। अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसमें आप हल्का एकदम गुनगुना रहे तभी आप इसमें जो बुरादा है चीनी का उसे आप बूरा को डाल करके अच्छे से मिक्स करें। देखिए मैंने बूरा डाल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दे और तुलसी की पत्तियों से इसे मिला करके, क्योंकि ये भगवान के प्रसाद के लिए मैं यहाँ पे चूरमा बना रही हूँ जो आप देख सकते हैं। बहुत ही जल्दी और ये टेस्टी और यम्मी बन जाता है। इस बार दिवाली में आप लोग ज़रूर इसे बनाएं, अच्छे से इसे मिक्स भी कर लें जिससे बराबर से चीनी और रवा मिल जाए तो और भी ये टेस्टी लगेंगे। इस ज़रूर इस बार भोग लगाएं आप भगवान को, गणपति और महालक्ष्मी को इस दिवाली आप चूरमा से भोग लगाएं। और कैसा बना उसे शेयर करें प्लीज़। आप लोग भी इसे बनाएं अपने घर पे और कैसा लगा वीडियो इसे उसे आप लोग शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।